16/9/2019 को सर्वोदय समाज कटिहार बिहार के द्वारा राज्य भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी अनिवार्यता हेतु अपने तय कार्यक्रम के अनुसार तीसरे दिन इंडिया गेट पर अमर जवान वीर शहीदों को नमन एवं श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर इंडिया गेट से ही दंडवत पद यात्रा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने के उपरांत इस महोदय को राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी अनिवार्य हेतु सौंपने के उपरांत वृक्षारोपण करना, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट से नमन करने के उपरांत ही सर्वोदय समाज के सभी क्रांतिकारी युवा को गिरफ्तार कर तिलक मार्ग थाने ले आए और उनका कहना ये हुआ कि आप लोगों को इस कार्यक्रम करने का परमिशन नहीं है, सो आप सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा आप अपने इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर दें। सर बताएंगे आप जो है तिलक नगर थाने में जो अभी बैठे हुए हैं क्या उद्देश्य लाया गया? देखिए, सर्वोदय समाज के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एवं सर्वोदय हिंदी की अनिवार्यता हेतु हम लोग आज इंडिया गेट पर जो हम लोग का शहीद स्थल पर नमन करना था और वहाँ से दंडवत प्रणाम करते हुए दंडवत पद यात्रा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन सौंपना था और वृक्षारोपण कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासनिक विभाग के द्वारा सरकारी महकमे के द्वारा हम लोग को जो वहाँ से रेस्ट करके जो है तिलक मार्ग थाने लाया गया और हम लोग यहाँ पर बैठाया गया है और इसी समय हम लोग बैठे हुए हैं और जब तक ये लोग क्या डिसीजन लेता तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा आज हम लोग जो है इंडिया गेट पर अमर जवान को वहाँ पर हम लोग नमन किए, वहाँ के बाद हम लोग का प्रोग्राम था कि सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग दंडवत पद यात्रा करते हुए जाते और वहाँ पर जो महामहिम को जो है ज्ञापन सौंपते, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनसे पहले भी वर्ष 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नारियल फोड़ने का जो कार्यक्रम रखा था उस संदर्भ में भी हम लोगों को अरेस्ट किया गया था और ये दूसरी बार ये तिलक मार्ग थाने में हम लोग आज यहाँ पर अरेस्ट करके लाया गया और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद। बोलिए, क्या उद्देश्य बैठे हैं आज? जो है हम लोग जो अपने सर्वोदय समाज के द्वारा जो हिंदी राजभाषा जो हिंदी है जो राष्ट्रीय भाषा का अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज हम लोग का कार्यक्रम तय किया हुआ था कि इंडिया गेट पे नमन करते हुए और दंडवत के दौरान जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे अपने सरकार को ज्ञापन सौंपते हिंदी के अधिकार के लिए, तो उसी क्रम में हम लोग इंडिया गेट पे नमन करते जब बाहर निकले तो वहाँ के जो थाना प्रभारी सब थे, पुलिस प्रशासन थे, उन्होंने सभी को हमारे सभी क्रांतिकारी व साथियों को अरेस्ट करके तिलक मार्ग थाना लाए हैं। उनका कहना ये है कि मतलब जो है आप लोग का परमिशन नहीं है, तो हम उनसे आग्रह किए हैं कि जो हम लोग बगैर परमिशन का भी जो है